नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत के बाद अब आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां पर कई टीमों को नुकसान हुआ है तो कई टीमों को बड़ा फायदा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण बताने वाले हैं। तो साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आईपीएल 2022 की ऑरेंज कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाजों व पर्पल कैप की रेस के टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में भी। वहीं पर दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे आईपीएल 2022 के टॉप 5 सिक्सर किंग कौन है इनके बारे में भी। तो ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर शानदार परफॉर्मेंस करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले की। तो दोस्तों, यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 195 रनों का स्कोर खड़ा किया। तो इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 199 रन बनाकर इस मुकाबले को जीता। यानी कि आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस को जिता दिया। इस जीत के साथ ही अब दोस्तों आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल के बारे में। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल की हम बात करें तो सबसे आखिरी पायदान यानी कि नंबर 10 पर फिलहाल मुंबई इंडियंस की टीम है, जिन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जबकि 8 ही मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। और साथ ही इनकी नेट रन रेट भी -1.00 है, जिसके चलते सबसे आखिरी नंबर पर है और आईपीएल 2022 से ये टीम पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 9 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 मुकाबले खेले जिनमें से 2 मुकाबले जीते, जबकि 6 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम के फिलहाल 4 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.53 है। इस टीम के अभी भी प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस है, लेकिन बचे हुए सभी मुकाबले इन्हें जीतने होंगे। वहीं पर दोस्तों, नंबर 8 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके फिलहाल 6 पॉइंट है, जबकि इनकी नेट रन रेट +0.08 है, जिसके चलते ये फिलहाल नंबर 8 पर मौजूद है। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 7 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम है, जिन्होंने भी 7 मुकाबले खेले जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 4 मुकाबले हारे हैं। इनके फिलहाल 6 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट +0.71 है, जो कि काफ़ी शानदार है, जिसके चलते ये नंबर 7 पर इस समय मौजूद है। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 6 की हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम है, जिन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 4 मुकाबले जीते, जबकि 4 ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके 8 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट इनकी -0.41 है। नेट रन रेट इन्हें थोड़ी बेहतर करनी होगी, अभी भी इस टीम के प्ले ऑफ में पहुँचने के पूरे चांस हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम है। आरसीबी ने अब तक 9 मुकाबले खेले जिनमें से 5 मुकाबले जीते, जबकि 4 मुकाबले हारे हैं। इनके फिलहाल 10 पॉइंट है, जबकि इनकी नेट रन रेट -0.57 है। इन्हें या तो अपने शानदार मुकाबले जीतने होंगे, तभी इनकी नेट रन रेट थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में काफ़ी खराब हार इस टीम को मिली है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये टीम जल्द वापसी करेगी। वहीं पर दोस्तों, अब हम टॉप 4 की तरफ आते हैं तो नंबर 4 पर फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जिन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि सिर्फ 3 मुकाबले हारे हैं। इस टीम के फिलहाल 10 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट भी इनकी +0.34 है, जो कि काफ़ी शानदार है, और फिलहाल 10 पॉइंटों के साथ ये नंबर 4 पर हैं। तो वहीं पर नंबर 3 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर अब सनराइज हैदराबाद की टीम है, जिन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 मुकाबले जीते, जबकि 3 मुकाबलों में इन्हें बिहार का सामना करना पड़ा है। जबकि इस टीम के फिलहाल 10 पॉइंट है और नेट रन रेट इनकी अभी भी +0.60 है, जो कि काफ़ी शानदार है, जिसके चलते ये फिलहाल नंबर 3 पर हैं। तो वहीं पर नंबर 2 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें से इस टीम ने 6 मुकाबले जीते, जबकि 2 मुकाबले हारे हैं। फिलहाल इनके 12 पॉइंट है, जबकि नेट रेट भी +0.56 है। अब सिर्फ 2 ही मुकाबले जीतने हैं इन्हें प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। वहीं पर दोस्तों, नंबर 1 टीम की हम बात करें तो फिलहाल गुजरात टाइटन्स नंबर 1 टीम बन चुकी है आईपीएल 2022 की। अब तक 8 मुकाबले खेले जिनमें से 7 मुकाबले जीते, जबकि सिर्फ 1 मुकाबला हारा है। इनके फिलहाल 14 पॉइंट हो चुके हैं, जबकि इनकी नेट रन रेट +0.37 है, जो कि काफ़ी शानदार है। अब इस टीम को सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए एक ही मुकाबला जीतना है, लेकिन इनकी टफ फाइट राजस्थान रॉयल्स, सनराइज हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ नंबर 1 या 2 में ख़त्म करने की रहेगी। वहीं पर दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑरेंज कैप की रेस की तरफ। तो
तो दोस्तों फिलहाल ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 5 की हम बात करें तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा आ चुके हैं सनराइज हैदराबाद के, जिनके अब 8 मुकाबलों में 285 रन हो चुके हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर शिखर धवन है जिनके 8 मुकाबलों में 302 रन है। तो नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या है जिनके 7 मुकाबलों में 305 रन है, जबकि नंबर 2 पर KL राहुल है जिनके 8 मुकाबलों में 368 रन है, जबकि नंबर 1 पर जोस बटलर है जिनके 8 मुकाबलों में 499 रन है। यानी कि फिलहाल जोस बटलर के पास है IPL 2022 की ऑरेंज कैप। तो वहीं पर दोस्तों सिक्सर किंग की हम बात करें IPL 2022 के, तो फिलहाल नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर है जिनके 17 छक्के हैं। तो नंबर 4 पर संजू सैमसन है जिनके 18 छक्के हैं, जबकि नंबर 3 पर लियाम लिविंगस्टोन है, इनके भी 18 छक्के हैं। तो वहीं पर नंबर 2 पर आंद्रे रसल है 22 छक्कों के साथ। तो नंबर 1 पर जोस बटलर है जिनके 32 छक्के हैं, यानी कि सिक्सर किंग भी फिलहाल जोस बटलर ही बने हुए हैं। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं पर्पल कैप की रेस के टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में। तो फिलहाल नंबर 5 पर मोहम्मद शमी है जिनके 13 विकेट है 8 मुकाबलों में। तो नंबर 4 पर DJ ब्रावो है, इनके भी 8 मुकाबलों में 14 विकेट हैं। तो नंबर 3 पर टी नटराजन है जिनके 8 मुकाबलों में 15 विकेट है, जबकि नंबर 2 पर अब उमरान मलिक आ चुके हैं, इनके भी 8 मुकाबलों में 15 विकेट हैं, जबकि नंबर 1 पर यजवेंद्र चहल है जिनके फिलहाल 18 विकेट है 8 मुकाबलों में। यानी कि फिलहाल पर्पल कैप इस समय यजवेंद्र चहल के पास है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी जीतेंगे ऑरेंज कैप पर्पल कैप, तो कौन सी चार टीमें होगी जो पहुंचेगी प्ले ऑफ में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।